देश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू ने संकल्प पत्र में जारी की गई घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि आम जन को मिलने वाली राहत और बीजेपी की नीति को देखते हुए लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और बीजेपी में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश राहू ने कहा कि किसानों को अपनी फसल का पहले किस्तों में भुगतान होता था और अब एक ही बार में भुगतान होने की बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। किसानों का जो धान है एक प्रति एकड़ 21 क्विंटल और उसका जो भुगतान 3100 रुपया एक मुश्त देंगे, कोई साल भर में नहीं, एक बार में 3100 रुपया देंगे, जिससे किसान जो है एक बार में खरीद के कुछ करने को सोच सकता है। दूसरी बात, जैसे हर वर्ग को लेकर घोषणा पत्र बनाया गया है, हर लोगों का ख्याल रखा गया है, आम आदमी से लेकर व्यापारी से लेकर सारे वर्गों को, किसान से लेकर सारे वर्गों को इस घोषणा पत्र में ख्याल रखा गया है। आपको मैं बता दूं, हर पंचायत भवन में बैंकों को नकदी आहरण की सुविधा दी जाएगी, वहाँ जाने के आप किसानों को तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि आपका सबसे बड़ा धान खरीदे के लेकर मुद्दा रहा है, आज उन्होंने 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपये में जो उन्होंने धान खरीदने की जो बात कही है, बहुत बड़ी बात है। किसानों का आर्थिक लाभ उससे होगा, उनका आर्थिक उन्नति होगा। उसी प्रकार से गरीब जो मजदूर लोग हैं, खेत जिनके पास भूमिहीन है, उनके लिए जो 10,000 रुपये सालाना उन्होंने जो आर्थिक सहायता की घोषणा किया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।